बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। परी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक है। तो जी स्पेशल ईद आ रही है, स्पेशल ईद पर स्पेशल मीठा तो बनाना बनता ही है। तो आज परी आपके साथ ईद स्पेशल मीठा की रेसिपी शेयर करने जा रही है, जो बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो बिना टाइम जाए के जल्दी से मूव करते हैं परी देसी किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मिल्क शामिल कर दिया है। यहाँ पर मिल्क को हमें अच्छे से बॉईल करना है और मिल्क के बॉईल होते ही यहाँ पर हमें 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर मिल्क में उबाल भी आने लगा है और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता पाउडर शामिल कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के ही करीब। उसके बाद मैं यहाँ पर सेवैयाँ शामिल कर दूँगी जो शेर खुरमे के लिए होती हैं कलरफुल, तो यहाँ पर मैंने वो शामिल कर दिए और उन्हें यहाँ पर अच्छे से पकने देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी शुगर शामिल करूँगी और यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क शामिल करूँगी। तो कंडेंस्ड मिल्क एंड शुगर की मेजरमेंट मैं यहाँ पर नहीं दे रही, वो अपने टेस्ट मुताबिक होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा मिल्क रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर शामिल किया है, 1 टेबल स्पून के करीब मैदा और यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब पिस्ताचू पाउडर यानी पिस्ता पाउडर, 1 टेबल स्पून के करीब घी और यहाँ पर एक जैसे बीट कर लिया था मैंने और यहाँ पर थोड़ा सा कलर। और अब इन तमाम इन्ग्रीडियंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनकी डो बना लेनी है। पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अंडा शामिल किया था और अब मैं यहाँ पर बाकी का भी बीटेड अंडा शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर अंडे को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर डो बनाकर रेडी कर लेनी है। अब बिल्कुल ही थोड़ा सा फिंगर्स पर ऑयल लगाकर और हमें यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेनी है। बॉल्स को हमें यहाँ पर बिल्कुल ही हल्के हाथों से सेट करना है ताकि बॉल्स में कोई भी क्रैक ना आए और हमारे बॉल्स बिल्कुल स्मूथली बनकर रेडी हो जाएं। देखें कितना ज़बरदस्त बॉल बनकर रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बाकी के भी सारे बॉल्स इसी तरह बनाकर रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर परी आपको एक दूसरा भी बॉल बनाकर दिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर बॉल्स रेडी हो चुके हैं और अब यहाँ पर बॉल्स को बिल्कुल हल्के हाथ से हमें थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर बॉल्स को मैं यहाँ पर मिल्क में शामिल कर रही हूँ। और अब यहाँ पर हमें मिल्क को थोड़ी देर पकाना है ताकि हमारे बॉल्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाए और फ्लेम हमें लो मीडियम ही रखनी है। अब मैं यहाँ पर खोया शामिल कर रही हूँ और मीठा में खोया शामिल करने से टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और मीठा इतना ज़बरदस्त लगता है कि कहने ही क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर मीठा हमारा रेडी हो चुका है और अब गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से थोड़े से पिस्ता बादाम जो है वो गार्निश करें और उसके बाद फाइनली हमें सर्व आउट कर लेना है।
अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर मेरा ईद स्पेशल मीठा बनकर रेडी हो चुका है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना एंड परी को रिव्यू देना कि कैसा बना। तो अगर आज का मीठा ईद स्पेशल मीठा अच्छा लगा हो तो परी किचन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड परी देसी किचन फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाए। देसी के साथ परी को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद बहुत सारा प्यार एंड विश हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।